नमस्ते। आज हम बात करेंगे हिमरेजिक ब्रेन स्ट्रोक के बारे में, यानी कि अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए तो उसका आधुनिक इलाज कैसे किया जाए। इसी चैनल के माध्यम से हम दो स्ट्रोक के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। एक वीडियो जिसमें हमने बात की स्ट्रोक के लक्षण के बारे में, कैसे पहचाने ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण, हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर इसका इलाज कैसे शुरू करेंगे। आखिर में इस वीडियो में हमने बात की स्ट्रोक के दो प्रकार, इस्केमिक स्ट्रोक एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। उसके बाद फॉलोअप वीडियो में हमने इस्केमिक स्ट्रोक की बात की, कैसे ब्रेन की किसी नस में क्लॉट जम जाता है और उस वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन या पोषण ना मिलने की वजह से इस्केमिक स्ट्रोक आ सकता है। साथ में हमने डिस्कस किया कैसे एंजियोग्राफी द्वारा एक आधुनिक इलाज किया जा सकता है जिसमें वो क्लॉट को निकाला जा सकता है और आजीवन पैरालिसिस से पेशेंट को बचाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हेमरेजिक स्ट्रोक के बारे में, यानी कि अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। यदि आप स्ट्रोक के लक्षणों की वजह से किसी हॉस्पिटल की कैजुअलिटी पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग का सीटी स्कैन कराया जाएगा। अगर सीटी स्कैन में ब्लीडिंग आता है तो वो ब्लीडिंग के पैटर्न के हिसाब से हम जान सकते हैं कि ये ब्लीडिंग क्यों हुआ है। अगर डॉक्टर आपसे कहते हैं कि ये हाइपरटेंसिव ब्लीड है, यानी बीपी ज़्यादा होने की वजह से ब्लीडिंग हुआ है, तो इलाज सिंपल है। यदि ब्लीडिंग कम मात्रा में हुई है, स्लो है या कंट्रोल्ड है, तो दवाइयों द्वारा बीपी को कम किया जाता है, पेशेंट को आईसीयू में रखा जाता है ऑब्जर्वेशन के लिए और जल्द ही रिकवरी एक्सपेक्टेड है। पर यदि ब्लीडिंग ज़्यादा हो चुकी है या एक्टिव ब्लीडिंग चल रही है तो ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है न्यूरोसर्जन द्वारा, जिसमें उनको ये क्लॉट निकालना पड़ सकता है। पर दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉन हाइपरटेंसिव हेमरेज के बारे में, यानी कि खून की नसों में कुछ कुदरती या एक्वायर्ड एबनॉर्मलिटी होने की वजह से नस का फटना और ब्लीड होना। इसको मेडिकल लैंग्वेज में अन्यूरिज्मल SAH, अन्यूरिज्मल सब एरेक्नॉइड हेमरेज या हेमरेज ड्यू टू वैस्कुलर मेलफॉर्मेशन, इन नामों से जाना जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे रप्चर्ड ब्रेन एनिज्म के लक्षण और उसका इलाज। कई बार बीपी हाई होने की वजह से और कुछ केसेस में जेनेटिक टेंडेंसीज की वजह से ब्रेन की नसों की दीवार बहुत वीक हो जाती है और साथ साथ ब्लड प्रेशर की वजह से उनका एक गोल आकार फफोले जैसा शेप बन जाता है, जिसकी दीवार बहुत कमजोर बन जाती है। इस फफोले या आउट पाउचिंग को सैक्युलर एनिरिज्म कहते हैं। इसी तरह पूरी की पूरी नस भी फूल सकती है और इसको फ्यूजिफॉर्म एनिरिज्म कहते हैं। खून की नस की दीवार की कमजोरी के कारण जब ब्लड प्रेशर हाई हो तब ये नस या फफोला फट सकता है और यहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है ब्रेन में। यूजुअली इसका सबसे कॉमन लक्षण है कि पेशेंट हमें बताता है कि मुझे ऐसा सर दर्द हुआ जो मेरे जिंदगी में आज तक नहीं हुआ है। साथ साथ उल्टी हो सकती है, बोलने की क्षमता या हाथों पैरों की ताकत में कमजोरी आ सकती है या पेशेंट बेहोशी के रूप में भी आ सकता है। अगर पेशेंट ये लक्षण लेके इमरजेंसी में आते हैं तो उनका अर्जेंटली CT स्कैन और फिर CT एंजियोग्राफी कराई जाती है। अगर CT स्कैन पे ये ब्लीडिंग कंफर्म होती है और CT एंजियोग्राफी में ये फफोला दिख जाता है तो तुरंत एक न्यूरो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को बुलाया जाता है, जो एंजियोग्राफी करके तारों के माध्यम से इस फफोले तक पहुंच सकते हैं एक्सरे में देखते हुए, और इस फफोले के अंदर प्लैटिनम के ऐसे कॉइल्स भर देते हैं जिससे ये फफोला या एनिरिज्म पूरी तरह बंद हो जाता है और रिपीट ब्लीडिंग के चांसेस ना मात्रा हो जाते हैं। अगर ये प्रोसीजर टाइम पे ना किया जाए तो इस एनिरिज्म से 72 घंटे के अंदर रिपीट ब्लीडिंग हो सकता है, जिसके चांसेस 20-40% तक होते हैं। अगर रिपीट ब्लीडिंग हो जाए तो कई केसेस में ये जानलेवा हासिल होती है और 60-80% लोग ये सेकेंड एपिसोड सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके किसी रिश्तेदार को ऐसा हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है और अगर आपको इमरजेंसी में बताया गया है कि ये ब्रेन एनिज्म रप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग हुई है, तो इमीडिएटली किसी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को बुलाने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए ताकि वो आके इसका कॉइलिंग द्वारा या और आधुनिक अल्टरनेटिव्स द्वारा ट्रीटमेंट करें और रिपीट ब्लीडिंग का रिस्क ना मात्रा कर दें। आपका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करना केवल एक टेक्निकल सक्सेस है, उसके बाद एक अलग जर्नी है जिसमें कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन की कोशिश की जाती है, और इन सब ट्रीटमेंट के बावजूद ये एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसके कॉन्सिक्वेंसेज बैड हो सकते हैं। लेकिन सही समय से ट्रीटमेंट ना मिलने से ये डेफिनेटली जानलेवा हो सकती है, इसलिए तुरंत इसका इलाज समय पर कराइए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।